Hello everyone, this is Pawan Sharma and friends, welcome to Voodoo Tradings. और friends, इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस के बारे में और जो टारगेट रहेगा हमारा कमिंग वीक जो रहेगा 13th of August। तो चलिए बात करते हैं थोड़ा सा चार्ट के बारे में, लेकिन मैं चाहूँगा कि चार्ट से पहले मैंने आपके लिए कुछ पॉइंट्स इकट्ठे कर रखे हैं। चार्ट इज नॉट समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि चार्ट में तो दो चीज़ें समझाई जाएंगी और आपको जो है लेवल्स पता चल जाएंगे, लेकिन उसके पीछे की कहानी जो है वो आपको जो है कुछ चीज़ें मैंने आपके लिए सेव करके रखी हैं वो आपको वहां से पता चलेंगी। तो शुरुआत करते हैं कि ये क्या चीज़ है। अब मैं हाइलाइटर ऑन कर रहा हूँ बिकॉज मैंने आपके लिए पहले ही सब कुछ नोट करके रखा हुआ सो दैट जो है वीडियो का टाइम राइटिंग में वेस्ट ना हो। अगर बात करें कि इस वीक में क्या हुआ है, जब पास्ट वीक में कुछ इवेंट्स हुए हैं जिनमें से आरबीआई का एक मेजर इवेंट रहा है, जिसमें आरबीआई ने कहा है कि लोन को रिस्ट्रक्चर किया जाए और जो है रेपो रेट्स को अनचेंज रखा गया है, रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा दिया गया है। सो विच मीन्स थोड़ा थोड़ा मूवमेंट जो है मार्केट के अंदर रहा, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात ये रहा है कि अलॉन्ग विद आरबीआई, अगर आप नोटिस करेंगे कि लास्ट कुछ जो है एक से दो महीने से लगातार आपको नोटिस हो रहा होगा कि बैंक्स लगातार अपने जो हैं कैपिटल को रेज करने के लिए इधर से उधर से जो है काफ़ी सारी जो है मेहनत कर रहे हैं और डिफरेंट फॉर्मेट्स में वो पैसा इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। डिफरेंट फॉर्मेट्स क्या होते हैं? डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं आपके QIP और राइट इशू, ओके, और जो है आपका जो FPO, ये डिफरेंट सेक्शन से बैंक्स जो हैं लगातार जो है अपना पैसा रेज करने के लिए थोड़ा सा लगे हुए हैं कि हाँ उनको रीजन क्या है। बैंक्स आर ऑन कैपिटल, क्या हुआ है कि आरबीआई ने बैंक्स को इंस्ट्रक्ट किया है कि कैपिटल रेज कीजिए किसी भी फॉर्म में सो दैट यू कैन प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द वर्स्ट। फॉर द वर्स्ट मतलब आने वाले जो है इकोनॉमी का जो डाउनफॉल हो सकता है उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कीजिए और उसके लिए आपको जो है कैपिटल रेज करना पड़ेगा। इसीलिए जो है ये पॉइंट मैं आपको यहां हाईलाइट कर रहा हूं। एक और चीज जो है ये क्यों बोला गया था, अभी आरबीआई ने जैसे जो लास्ट वीक था उससे पहले वीक्स में भी एक दो आरबीआई स्टेटमेंट्स आए थे। आरबीआई ने एक स्ट्रेस टेस्ट किया था। स्ट्रेस टेस्ट होता है कि जहां पे वो ये चेक करते हैं कि बैंक्स जो हैं अगर ये जो मॉरेटोरियम चल रहा है या जो करंट क्राइसिस चल रहा है तो कहीं उस पर ऐसा ना फेल हो जाए। उस स्ट्रेस टेस्ट में पाया गया कि जो तीन चार बैंक्स को उन्होंने जो है एग्जाम्पल यूज कर रहे थे वो सारे के सारे फेल हो गए। उसके बाद उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया बैंक्स को कि वो फटाफट अपना कैपिटल रेज करना शुरू कर दें। पहले ही बोला जा चुका था लेकिन ये स्ट्रेस टेस्ट बाद में आया था। उसके बाद क्या हुआ, जो अभी फिलहाल क्या है कि बैंक्स लगातार लगे हुए हैं रेज करने में। अगर आप बात करते हैं मेजर बैंक्स की, मैं सबका तो लिस्ट नहीं ले पाया हूं, काफी बड़ी लिस्ट है तो सब कुछ लिखना पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन एक जो है मेजर हमारे बैंक्स जो हैं जो टॉप 5 या 6 बैंक्स हैं उनकी बात करें, HDFC ने अप्लाई किया है 13,000 करोड़ के लिए, ICICI ने अप्लाई किया है 15,000 करोड़ के लिए, एक्सिस बैंक टारगेट किया है 15,000 करोड़, SBI 20,000 करोड़। उसमें से दो बैंक ने ऑलरेडी अपना काम कर चुके हैं जिसमें से 7,500 करोड़ और 10 करोड़ का जो है इसने किया था QIP ने। कोटक बैंक की बात करें तो कोटक बैंक ने QIP के थ्रू जो है 7,500 करोड़ का जो है रेज किया है मनी। और अभी FPO का आपको सबको पता ही है कि दोबारा FPO आया था डिस्काउंटेड रेट्स पे और वहां पे 10,000 करोड़ जो है यस बैंक ने जो है रेज किया है। ये सारे अप्रॉक्सिमेट वैल्यूज है गाइस, याद रखिएगा, वैल्यू चेंज हो सकते हैं, कभी आप मुझे कमेंट करके बताते हैं। ये सब मैंने इंटरनेट से लिए हैं या कुछ जैसे मनी कंट्रोल हुआ, IT मार्केट्स हुआ, उन साइट से मैंने सब पिक किया है। तो फ्रॉम देयर यू कैन से दैट ओके अप्रॉक्सिमेट वैल्यूज हैं, क्योंकि जब एक्चुअल फिगर्स आते हैं तो डिफरेंट हो सकती है। लेकिन अगर आप यहां देखें सबके सब बैंक जो है लगातार कैपिटल रेज करने में लगे हुए हैं। इसके पीछे कहानी क्या है पहले ये समझिएगा, उसके बाद चार्ट को 2 मिनट में समझ सकते हैं आप। पहले समझिए कि जो है अभी मॉरेटोरियम हमारा 31st August तक बचा हुआ है। अगर आप उस मॉरेटोरियम की बात करें तो 80% मॉरेटोरियम में जो है
जब मॉरेटोरियम इम्प्लीमेंट किया गया था, जब बताया गया था कि मॉरेटोरियम जो है आप यूज कर सकते हैं या आप इसको डिले कर सकते हैं या डेफर कर सकते हैं, तो 80% लोगों ने पीएसयू बैंक्स के जो थे, पीएसयू बैंक्स के जो अकाउंट होल्डर हैं, उन्होंने 80% लोगों ने मॉरेटोरियम को जो है एक्सेप्ट किया। 40% जो है अभी प्राइवेट बैंक्स ने उसको एक्सेप्ट किया। और माना जा रहा है, आरबीआई का स्ट्रेस टेस्ट के जो है रिजल्ट्स ये बता रहे हैं कि वो बैंक्स जो हैं, अगर उनको वो जो है लोन की वैल्यू डिफॉल्ट हो जाती है तो वो सस्टेन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इन वैल्यूज को ध्यान रखें। तो ये बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो बैंक्स थोड़ा सा वनरेबल हैं। एक चीज अभी ये नेगेटिव नहीं है, मैं इसको पॉजिटिव पॉइंट्स बता रहा हूं अभी आपको। एसबीआई ने, सॉरी सेबी ने जो है एक्सटेंड कर दिया गया है फिर से शॉर्ट सेलिंग। आपको याद है ना, शॉर्ट सेलिंग को बैन किया गया था, तो एक एक महीने के लिए बैन किया गया था, तो लगातार बढ़ रहा है शॉर्ट सेलिंग। क्यों बैन क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि वो जो है अभी चाहते हैं कि मार्केट थोड़ा सा नीचे ना आए, मार्केट को नीचे आने से रोकने के लिए फिर से एक्सटेंड कर दिया गया है शॉर्ट सेलिंग को। पहले उसका जो था 1 month 31 जुलाई को था, अब उसको जो सुना है कि वो अब 31st या 30 अगस्त तक वो उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। तो शॉर्ट सेलिंग अभी हमारे पास में है। अभी अगर आपने इस वीक के करंट वैल्यूज को देखा हो, या मैंने आपने जो लास्ट जो है अपने वीडियोस में आपको बताया है कि लगातार एफआईआई जो है वो बाई किए जा रहे हैं, लगातार एफआईआई बाई कर रहे हैं। अब सुनिएगा जो मैं ध्यान से बता रहा हूं। बैंक्स जो चाहते हैं वो अपना कैपिटल रेज करना चाहते हैं, ठीक है। इंस्टीट्यूशंस उनको हेल्प करेंगे। क्यों क्यों हेल्प करेंगे? क्योंकि अगर मार्केट जो है इंस्टीट्यूशंस को होल्ड करके रखेंगे तो सबको लगेगा मार्केट राइज कर रही है, वो लगातार थोड़ा थोड़ा करके बाय करेंगे और वो मार्केट राइज करेगी। पॉइंट नंबर वन, मतलब वो मार्केट को गिरने से रोकेंगे। कुछ भी हो, इंस्टीट्यूशंस मार्केट को नीचे नहीं गिरने देंगे। थोड़ा बहुत करेक्शन आती है, जिसको आप कहते हैं करेक्शन, रिट्रेसमेंट नहीं, छोटा मोटा 2% 5% करेक्शन आती है, विच इज फाइन। लेकिन इंस्टीट्यूशन सब मिलके अब मार्केट को होल्ड करके रखेंगे, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके बाइंग किया जा रहा है। इसमें फायदा किसका है? दोनों का फायदा है। बैंक्स को उनका जो है जो रेज करने के लिए पैसा दिया, जो उन्होंने अपना टारगेट रखा हुआ है, उसमें सपोर्ट मिलेगा, ताकि जो कॉन्फिडेंस आएगा रिटेल इंडस्ट्रीज में या जो भी पैसा लगाना चाहते हैं मार्केट में, उन दोनों के उसमें एक कॉन्फिडेंस आएगा कि यार मार्केट नीचे नहीं गिर रहा। और जो भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो, जैसे अभी आपको रिलायंस का राइट इशू का याद है, आपको मैंने एक आपको बताया था कि राइट इशू में जो रिलायंस की जो बैकिंग कंपनी थी, उसने कहा हम आपको 54,000 करोड़ मार्केट से लेकर देंगे, अगर हम आपको नहीं कर पाए तो वो पैसा हम लगाएंगे। उसके पीछे कितना परसेंट होता है? 5 to 10% उनको रिटर्न मिलता है। तो जो भी बैंक्स अगर आप बात करते हैं, इनके पीछे जो भी इंस्टीट्यूशंस लगे होंगे, तो सोचिए इसका 10% मान लेते हैं, अगर आप 10% की बात करते हैं तो 10% जो है इसका उनको पैसा जाएगा। तो पहली बात तो वो क्या करेंगे, मार्केट को गिरने से रोकेंगे। दूसरी बात, जो मार्केट को राइज करेंगे और पैसा कमाएंगे 10% एजा, जिसको आप कहते हैं ब्रोकरेज कह लीजिए या कमीशन कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। तीसरा, वो मार्केट को ऊपर ले जाएंगे, वहां पे जाके सेल करेंगे, इतना सारा बेनिफिट्स वो उठाएंगे। अब ये हो गया हमारा कंप्लीट सेटअप अबाउट द इंफॉर्मेशन। अब थोड़ा सा भाग बचता है, वो बच जाता है हमारे पास चार्ट में। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि मार्केट में कोई बड़ा फॉल आने को नहीं मिलेगा। ये हमारा वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट है। तो वीकली चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो वीकली चार्ट लगातार उसी रेंज में ट्रेड कर रहा है, निफ्टी का उसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो अगर आप ये कहेंगे 3 वीक से ये कंसोलिडेट कर रहा है, तो कोई बुरा नहीं होगा आपके लिए कहना। तो विच मींस अगर कोई भी मूवमेंट आएगा वो 11,250 के ऊपर आएगा, या नीचे की तरफ अगर बात करें तो 11,000 के नीचे आएगा। ये रेंज उसकी कंसोलिडेशन रेंज हो गई है। पहली बात तो ये समझिएगा कि निफ्टी जो है 250 के ऊपर राइज करेगा, लेकिन बड़ी राइज मूवमेंट भी नहीं आ सकती, क्योंकि इंस्टीट्यूशन चाहते हैं मार्केट को राइज करना।
इसीलिए वो लगातार बाय करेंगे, लेकिन बड़ी बाइंग नहीं होगी क्योंकि इंस्टीट्यूशंस इतना बड़ा बाय नहीं करना चाहेंगे, जो मार्केट को जो है कहीं ना कहीं स्टेबल ना रखे, इसलिए वो थोड़ा थोड़ा करके बाय करता रहेंगे और उसको मूवमेंट मिलेगा। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी देखिएगा वीकली चार्ट पे, उसको ये इसको कहते हैं हैमर, आपको लग रहा होगा कि जो है एनालिसिस तो निफ्टी की, लेकिन बैंक निफ्टी को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि बैंक्स जो हैं निफ्टी का 35% का वैल्यूएशन रखते हैं, वेटेज रखते हैं। अगर बैंक्स उसको चाहते हैं ऊपर लेके जाना तो निफ्टी ऊपर जाएगा, और इस वक्त सबके सब बैंक्स जो हैं वो रेडी हो गए हैं जो लास्ट पॉलिसी के बाद में, कि मार्केट को गिरने नहीं देंगे जब तक हमारा पैसा जो है हमारे हाथ में नहीं आएगा। इसीलिए आपको ये कह सकते हैं कि आने वाले टाइम में 21,900 एक रेसिस्टेंस माना गया है, इसके ऊपर का टारगेट है 22,500 और इसके ऊपर है 23,000, ठीक है। नीचे की तरफ 21,400 माना गया है एक सपोर्ट, उसके नीचे 21,000 है और उसके नीचे 2,500 है। ये लेवल्स हमारे लिए हैं बैंक निफ्टी में। अगर आप इसको नोटिस करेंगे डेली चार्ट पे तो आपको डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी। अब देखिए ये है हमारा डेली चार्ट, इसमें देखिए लगातार ये वही वैल्यू जो मैंने अभी आपको बताई है 400 और 900, ठीक है। उसके बीच में मूवमेंट हो सकती है, रह सकती है, लेकिन एक्चुअल जो फिगर हमें देखने को मिलेगी, जो एक्चुअल मूवमेंट हमें देखने को मिलेगी, वो उसके ऊपर या उसके नीचे देखने को मिलेगी। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में, ठीक है, निफ्टी की मैं बार बार आपसे जो बात कर रहा हूं वो ये है कि निफ्टी में अभी कंसोलिडेशन आना चाहिए। जैसे मैंने ये जो पूरा आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया है, ये इंफॉर्मेशन ये बताती है कि निफ्टी को नहीं गिरने दिया जाएगा, मतलब ये कह सकते हैं कि अगर निफ्टी को 11,000 पे रोका जा सकता है या मैक्सिमम 10,850 तक रोका जा सकता है तो विच इज गुड। इसके नीचे जो है निफ्टी वीक होगा, अगर ये जो पूरी इंफॉर्मेशन है या जो इंस्टीट्यूशंस हैं बैंक्स हैं, एक बहुत बड़ा जो है आपके लिए मैं बताऊं एक गेम होता है, सो प्लीज डोंट गेट डीमोटिवेटेड, इसी के साथ आपको चलना है। तो अगर ये मूवमेंट इससे नीचे जाएगी तो आप सेलिंग के लिए आ जाएंगे, आपने जो भी पी या सी ले रखा है, और अगर आपने जो है 11,250 के ऊपर अगर मार्केट जाती है तो आप कॉल लेना शुरू कर देंगे। तो ये माना जा रहा है कि इस जो है कमिंग वीक में या आने वाले एक महीने में या पूरे अगस्त में या हाफ ऑफ मिड सितंबर में ये पूरा का पूरा जो है मूवमेंट बैंक्स होल्ड करेंगे। फार्मा थोड़ा बहुत उसको कंट्रीब्यूट कर सकता है, ऑटो मैं नहीं कहूँगा, हो सकता है थोड़ा बहुत एनर्जी, क्योंकि उसमें रिलायंस का नाम आता है तो एनर्जी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर सकता है, बट डेफिनेटली बैंक्स विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर और यू कैन से द कंट्रीब्यूटर टू द एंटायर मूवमेंट ऑफ निफ्टी। तो निफ्टी को आप क्या करेंगे, अगर आप निफ्टी को चेक करते हैं, या आप जो है एक और चीज दिखाता हूं मैं आपको निफ्टी का है, तो हमारे पास में 15 मिनट का चार्ट मैं लेता हूं आपके लिए, बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा आपको देखने में। अब ये देखिएगा ये जो हमारे पास में है, अगर इस तरफ आप ध्यान देंगे तो ये मूवमेंट हमारे पास ऐसे जाती है, ठीक है, और अगर आप यहां से ध्यान देंगे तो ये मूवमेंट हमारे पास आती है, इसको कहते हैं वेज पैटर्न, इसको कहा जाता है वेज पैटर्न। अगर ये पैटर्न किसी भी तरफ ब्रेक करता है तो आप एक छोटी टाइम के लिए, एक दिन के लिए, दो दिन के लिए, आप लेवल्स यहां पे आप जो है ये समवेयर अराउंड 225-230 के या 250 मान लीजिए, सही माने तो ये, अदरवाइज 230 पे आता है तो आप यहां पे बाय कर सकते हैं, और दिस विल कम अराउंड 11,150 एंड यू कैन सेल इट। तो ये रहेगा आपका मूवमेंट, इसके बाद जो हमारा टारगेट ही पहला ये होगा और दूसरा टारगेट हमारा नीचे की तरफ जाएगा। अगर आप इसी लेवल को बैंक निफ्टी में देखेंगे, ये है बैंक निफ्टी, थोड़ा सा आपको ज्यादा नजर आएगा, बैंक निफ्टी में अगर आप यहां से देखेंगे और यहां से देखेंगे,
ये है बैंक निफ्टी का लेवल। अगर बैंक निफ्टी जैसे मैंने आपको बताया था 21,900, ऐसे नहीं बताया था मैंने, ऐसे यहां से चेक किया था कि 21,900 अगर हमें लेवल मिलता है तो आपको यहां से मिलेगा 21,900 का लेवल, वी गॉट इट फ्रॉम हियर समवेयर क्लोज टू हियर। और जो 21,400 का लेवल है वो यहां से हमें मिला लगभग। तो निफ्टी या बैंक निफ्टी अपने 15 मिनट के चार्ट पे जिस भी तरफ वेज को ब्रेक करेगा वो आपका कॉल या पुट आप उस पर ले सकते हैं। अगर उसके बीच में रहता है शांत रहिए, पैसा अपनी जेब में है, जब तक पैसा आपकी पॉकेट में है वो आपका है, जब वो मार्केट में चला जाता है तो रिस्क पे आ जाता है। तो विच मीन्स ट्रेड नहीं करना या पैसा मार्केट में नहीं लगाना भी एक बहुत स्ट्रांग फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग है। ओके तो ये था गाइज हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। आप होप यू विल लाइक इट। अगर आपको पसंद आता है वीडियो जाके नीचे लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज वही सपोर्ट हम आप लोगों से चाहते हैं। एंड कोई भी कमेंट्स क्वेश्चन होता है प्लीज डू राइट दम इन द कमेंट बॉक्स, आई विल बी हैप्पी टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस। दैट्स ऑल अबाउट गाइज, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।